हैप्पी टीचर्स डे सर. मैंने सर के लिए एक छोटा सा कुछ लिखा है जो हम लोग आई थिंक सब स्टूडेंट्स फील करते हैं. इनफैक्ट जो आज सर सुबह बता रहे थे ना उससे भी ये बहुत लिंक करते हैं. तो सर मैंने लिखा है तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा. थैंक यू सर वॉट एवर यू हैव गिवन टू अस. हम नहीं जानते आफ्टर दिस ट्यूशन आप कहाँ हम कहाँ रहेंगे, बट आपके साथ बिताए हुए ट्यूशन में हर पल हम बहुत याद करेंगे. ज़िंदगी छोटी सी है और मेहनत करने से कभी नहीं घबराना, दुनिया में कुछ ऐसा करना कि अपनी छवि ज़रूर बनाना, ये आपसे ही हमने सीखा है सर. आपसे पढ़ने के बाद ये तो पक्का है सर हम SJC के स्टूडेंट्स दुनिया में ज़रूर कुछ कर जाएंगे, पर आपने जो दिया जो सिखाया वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे. आप हमारी ज़िंदगी में खाली गुरु ही नहीं, हमारे भाई फ्रेंड सब बन के आए हैं, और हमें पढ़ाई के साथ साथ हमें जीने का एक मकसद आपने दिखाया है. आपका एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे सर. थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल SJC स्टूडेंट्स सर, एंड हैप्पी टीचर्स डे सर. अच्छा टेल मी वन थिंग नाउ. I just got to know ki she is continuing her studies after 7 years of marriage. Okay. So, what motivated you? What inspired you? What were your challenges? Thoda sa share karein. Sir, sab bolte hain mere ko ki, matlab abhi bhi bolte hain in fact ki tum CA karke kya kar logi. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने क्या नहीं कर सकती. मेरे पास CA का ऐसा डिग्री है, CA CMA जो भी है ऐसा डिग्री है कि कोई इंसान कुछ भी कर सकता है. और डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इंसान का अच्छा होना और बस मेहनत करते रहना चाहे कुछ भी हो जाए वो इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए. डिफ़िकल्टीज़ बहुत है सर. मॉर्निंग में जैसे सब स्टूडेंट्स का होता है वो मेरा लाइफ वैसे नहीं होता है. मॉर्निंग में उठ के थोड़ा घर का काम ये सब करके आना पड़ता है, फिर मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ क्योंकि घर जाके मेरा काम की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं होती है. तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, आपको इतना सोशल गैदरिंग्स में जाना पड़ता है इधर उधर, और यू कैनॉट अवॉइड. तुम बोल नहीं सकते कि नहीं मेरे को नहीं जाना है, वो मम्मी के घर पर हो सकता था, बट आफ्टर मैरिज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. बट ठीक है. बट सर जो हम लोग को मिले हैं ना, मतलब आई वॉज़ अ लूज़र. मैं सच्ची बोलती हूँ, मेरे को घर पे भी अभी सब बोलते कि आई एम अ लूज़र, क्योंकि मैं मतलब मेरा CS हो गया था बट मेरा CA नहीं हो पा रहा था. इनफैक्ट मेरे को मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ छोड़ के मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करते कि मैं CA करूँ. मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को ऐसे हस्बैंड और मदर इन लॉ मिले हैं. बट मतलब अब मेरे को ये तो सर के पास आके सीखने मिल गया कि अब मैं यहाँ से कहीं पे भी जाऊँगी ना मैं ज़रूर कुछ अचीव करूँगी, चाहे कुछ मेरे को बहुत मेहनत करना पड़े जो भी करना पड़े मेरे को बहुत अचीव मेरे को कुछ करना है बस लाइफ में, बस यही है.